करते हैं क्विज मंथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। चलिए आप देखिए, यहाँ सवाल है, काला महाद्वीप के नाम से कौन सा प्रसिद्ध महाद्वीप है, ये प्रश्न है। ऑप्शन में काला महाद्वीप, काला मतलब क्या, जहाँ काले लोग रहते होंगे, तो आंसर मार देंगे अफ्रीका। अब देखिए इसमें आपको महाद्वीप पूछते हैं कितने हैं, अभी टोटल 7 हैं, लेकिन 8वां महाद्वीप मिला है जिलेंडिया के नाम से, जो समुद्र के नीचे प्रशांत महासागर के बहुत नीचे जिलेंडिया महाद्वीप वैज्ञानिकों ने खोजा है, लेकिन वास्तव में अभी 7 ही महाद्वीप हैं। अब महाद्वीप में जैसे काला महाद्वीप अफ्रीका, सब महाद्वीप का अलग अलग नाम है, जैसे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको उजला महाद्वीप, वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ है, सिर्फ बर्फ पाए जाते हैं वहाँ। दो मैत्री और गंगोत्री जो है वहाँ दो मानव अनुसंधान केंद्र है, बार बार होता है। और अंटार्कटिका को जो है महाद्वीप को, ये जो है जैसे वर्ल्ड है तो ये दक्षिणी ध्रुव पे है, ये उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक, दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका, ये याद रखना है। अब दूसरा, जैसे उत्तरी अमेरिका जो है नई दुनिया, विकसित दुनिया के नाम से इस महाद्वीप को, चूंकि ये आगे निकल चुके हैं, विकसित दुनिया और नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों का महादेश इसको कहा जाता है, वैसे सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अगर ऑप्शन में देखें तो इसमें लगभग हम बोल ही दिए, यूरोप को सिर्फ प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, यूरोप को, तो ये आप याद रखिए, ये आपका सवाल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी मध्य रात्रियों का सूत्र, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, नॉर्वे को, ये बार बार इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिए, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, नॉर्वे को। तो इसी तरह एक आपको ये जो आता है प्रश्न, कई बार आता होगा, उगते हुए सूर्य का देश जापान, यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का देश, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन, यानी लैंड ऑफ सेटिंग सन। तो ये सब याद रखना है कि क्या क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछ लेते हैं, तो ब्रिटेन का डूबते हुए सूर्य का देश, कोरिया लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, मतलब सुबह का सितारा, इस तरह का जो है मॉर्निंग कॉम, कोरिया लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, इसको याद रखना है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, ये भी प्रश्न आता है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला आप देख लेते हैं कि पर्यावरण की शुद्धता की गुणवत्ता के लिए मापक है, पर्यावरण की शुद्धता, पर्यावरण में जैसे ये कहता है ना ISI सुने होंगे, ये जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड हिंदू, यानी भारतीय मानक संस्थान, इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। लेकिन आपका प्रश्न है पर्यावरण की शुद्धता, यानी इको मार्क, इसका शुरुआत 1992 में हुआ था। ऑप्शन अगर देखेंगे तो पहला है हॉल मार्क, हॉल मार्क क्या है, सोना का शुद्धता आप लोग जानते होंगे कितना, 900, 1600, 600, 700 ऐसे करके आता है, तो हॉल मार्क देखते हैं सोने के लिए। एग मार्क, खाद्य पदार्थ में आप देखते होंगे हरा रंग से रहता होगा, कोई चीज सत्तू उत्तू, कोई बेसन खरीदते हैं ना ग्रीन कलर का आटा वगैरह, तो ये जो है एग मार्क है, खाद्य पदार्थों में ये लगता है, तो इसको याद रखना है। और इंडियन ISI मार्क, इलेक्ट्रिक चीजें, स्विच, बॉल होल्डर, पंखा, ये सब लीजिएगा तो ISI मार्क लगा होता है, उसकी शुरुआत 1955 में, इसका जो है केंद्रीय कार्यालय कहां है, दिल्ली में, याद रखना है। अब देखिए, कौन सी भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा से नहीं लगती, नहीं लगती, इसके लिए छोटा छोटा ट्रिक हम पहले भी बताएं, आनामामी म्यांमार, आनामामी, आनामामी क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मेघालय सिर्फ नहीं, मेकाकार नहीं है, ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये याद रखना है, आनामामी म्यांमार। ऐसे करके जैसे पंगू राज पाकिस्तान, इस तरह ऐसी जाऊँ चीन, इस तरह अलग अलग ट्रिक है मेरा, स्मॉल छोटा वाला अगर वीडियो आप देखेंगे तो इसमें सब मिला मिलेगा आपको ट्रिक, थे देख लीजिए, बांग्लादेश में आपसे मित्र, ऐसा बहुत सा ट्रिक है। चलिए चौथा पांचवा क्वेश्चन देख लें, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये इसमें देखिए ऑप्शन, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, प्रकाश दूरी, प्रकाश तो नहीं मारेंगे, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, बार एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर, ये याद रखना है, 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। अब देखिए पहला ऑप्शन तरंग धैर्य, तरंग धैर्य जो है ये तो तरंग धैर्य मात्रक ही नहीं, तरंग धैर्य का मात्र
मात्रक एंगस्ट्रम होता है, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, और प्रकाश जो है, प्रकाश तो मात्रक इसका है नहीं लेकिन ये फोटोन का बना होता है, फोटोन छोटे छोटे कण होते हैं और ये प्रकाश इससे बने होते हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्विज मंथन में। थैंक यू।